कुछ लोग पूरा दिन सोते रहते हैं, शाम को उठते हैं। मेरे पास एक आदमी आता है, उसका काम ठीक ठाक है, सब कुछ परमात्मा ने सब कुछ दिया उसको। वो अपने बच्चों को लेकर के आता है। मैं कहा, हाँ बोल। उसने कहा, जी और तो सब ठीक है, बस इन उल्लुओं को देख लो। मैंने कहा, अरे ये तो अच्छे खासे, दोनों बच्चे अच्छे खासे हैं, लड़का भी लड़की भी, उल्लू कैसे हुए? कि जो ही सूरज नीचे की ओर जाता है, इनकी आंखें खुलना शुरू हो जाती है, और जो ही सूरज सुबह निकलने के लिए तैयार होता है, ये अपने बिस्तर में पैक, रूम में पैक। तो इस प्रकार के लोग आजकल बढ़ते जा रहे हैं। बॉम्बे में आप जाओगे, पूरी रात लोग भागते रहते। कुछ लोग, चलो काम के लिए तो मजबूरियां हो जाती हैं, कुछ लोग बिना मजबूर हुए भी इतना भागते दौड़ते हैं, कुछ लोग बिना दौड़े भागे भी रूम में लेटे लेटे लगे हुए हैं, फेसबुक देखने के लिए, इंस्टाग्राम देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए, सोशल मीडिया में इतना खो जाते हैं। और कुछ आपस में बात करने के लिए, मिलाई कॉल, वीडियो कॉल मिलाई, रखा फोन, आधे सोते रहेंगे आधे जागते रहेंगे, ना सो रहे ना जाग रहे, बस बात भी कुछ नहीं, बात भी नहीं कुछ भी, कि वो कुछ बात ही कर रहे हो, किसी टॉपिक के ऊपर क्लियर कर रहे हो, नहीं ऐसा ही नहीं कुछ भी, बस दिमाग में है, वो दिमाग में सेट हो गया कि बस फोन मिला हुआ, सही है सब कुछ। हालात परिस्थिति ये हो गई कि नए बच्चे जो 16-16 साल के बच्चे हैं, 18 वर्ष के हैं, जिनके अंदर जोश होना चाहिए, जिनके अंदर एक जीवन की उमंग होनी चाहिए, जिनको मतलब कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, उन बच्चों को आप चेहरे देखिए, उनके चेहरे पीले पड़ने लगे, शरीर देखिए कमजोर पड़ने लगे हैं। चलो यहाँ तक तो चल जाएगा, हो जाएंगे ठीक, लेकिन जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, न टाइम से सो पा रहे हैं, न टाइम से उठ पा रहे हैं, न टाइम से दैनिक कार्य हो रहे हैं, न टाइम से खाना हो रहा है, न टाइम से पानी हो रहा है, न टाइम से स्नान हो रहा है। मैंने तो एक और देखा है, आजकल जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो तैयारी करते हैं, वो समझ भी जाएंगे, 3-3 दिन होते नहाए हुए कि बाहर निकले, ऐसे किया मेकअप निकल गए, एसी में रहते हैं 3 दिन गर्मियों के दिनों में। मैंने पूछा, अरे 3 दिन हो गए नहाए हुए, कि गर्मी का मौसम है, बस 3 दिन नहा लेंगे, अगर सर्दी होती तो 10 दिन भी आवश्यकता नहीं थी। ये हमारी युवा पीढ़ी है, जिसको आप चमकते हुए चेहरे दिखते हैं, जो आपको जोश और जो ये समझदार लोग दिखते हैं, वो बोलते हैं कि नहाने से समझदारी का क्या तालमेल है? नहीं, ऐसा तो कोई तालमेल ही नहीं है। तो वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशानी बढ़ती है दिमाग के अंदर, क्योंकि ये मशीन है ये शरीर, अगर हम इसका सही प्रयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, इसको टाइम टू टाइम जो इसको चाहिए, बॉडी नीड है वो उसको देंगे, तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा, शरीर भी ठीक काम करेगा, सब कुछ सही भी होगा, आपकी दिनचर्या भी सही रहेगी, बुद्धि अच्छे से काम करेगी, आपकी डिसीजन पावर भी बढ़ेगी, मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। कुछ लोग पिशाचवृत्ति के होते हैं कि रात में हम पढ़ेंगे सुबह सोएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह पढ़ेंगे रात को सोएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा मत करो, रात को मत पढ़ो, सुबह पढ़ना चाहिए। कोई बहुत वीडियो आप देख रहे हैं आजकल जो चल रहा है, हर टॉपिक के ऊपर हजारों सैकड़ों लोग लेक्चर देने के लिए आ जाते हैं,
मैं बस इतना कहने के लिए आया हूँ कि जो हमारा सिस्टम शरीर का है, आप किसी भी टाइम पढ़ो, किसी भी टाइम उठो, कभी भी सो, कैसे भी रहो, लेकिन कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम अपने शरीर का जो संतुलन है, अपने बुद्धि का जो संतुलन है, मन का जो संतुलन है, विचारों का जो संतुलन है, उसको मत खोले। अगर ये संतुलन एक बार बिगड़ गया ना, पहले आप देखते थे किसी को कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी व्यक्ति दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाता था, एक भी, कोई भी, कोई 5-10 डिस्ट्रिक्टों में कोई एक आध मिल गया, उसको लोग आश्चर्य से देखते थे, अरे पागलों के डॉक्टर की दवाई ले रहा है, कहीं कपड़े ना फाड़ दे, ये सोचते थे। और अब गांव में नहीं, अब घर घर में ये हो रहा है। जो नए बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, दिमाग इतना स्ट्रेस से भरा होता है, इतना भरा होता है, उसको झेल नहीं पाते, इतने परेशान हो जाते हैं। और ये शरीर बुद्धि से चल रहा है, बुद्धि जो डिसीजन करेगी ये शरीर उसी के ऊपर काम शुरू कर देगा। जैसे बुद्धि ने डिसीजन लिया हमें यहां से चलना है, चलना शुरू कर देगा। बुद्धि ने डिसीजन लिया भागना है, भागना शुरू कर देगा। बुद्धि ने डिसीजन लिया लड़ना है, लड़ना शुरू कर देगा। बुद्धि ने डिसीजन लिया ये आदमी अच्छा नहीं है, इसे हमें डिफेंस करना है, डिफेंस शुरू कर देगा। तो बुद्धि हमारी जैसा सोचेगी वैसा ही संकल्प करके नीचे इंद्रियों में, मन में, विचारों में तालमेल शुरू हो जाएगा। तो आप इस स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए मन, बुद्धि, शरीर को स्वस्थ रखते हुए और अपना तालमेल बनाइए प्रकृति के साथ, नेचर के साथ और जीवन के साथ और अपनी आत्मा के साथ, विचारों के साथ, खुद के साथ। कभी भी विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर इतना हैवी मत होने दो कि वो आपको दबा लें और आप उठ ही ना पाओ। इस नेगेटिव को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी आवश्यकता है कि आप अपनी दिनचर्या का सही से उपयोग करें। रात्रि में कम से कम जितना आप सो सकते हैं, जितना कि अगर आप 5 घंटे फोन के ऊपर बात करते हैं तो आप 1 घंटे के ऊपर आ जाइए, 4 घंटे बच जाएंगे। मैं जानता हूँ आपको पता है ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी कोशिश तो करके देखिए कुछ टाइम के लिए, एक बार अपना दिनचर्या सुधारने का प्रयत्न तो कीजिए। जब आप प्रयत्न करेंगे तो आपका स्ट्रेस, शरीर, जीवन, विचार, पढ़ाई, बिजनेस, घर प्रॉपर तरीके से समय देने लगेंगे। और जब प्रॉपर तरीके से हर चीज को मैनेज किया जाएगा तो आप ही के काम आएगी, हमारे काम नहीं आएगी।